हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो? आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये पढ़ेंगे। पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश को पढ़ने से पहले हम पढ़ लिखेंगे स्थिर वैद्युत की, इसके बारे में पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। पहले चैप्टर में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या होती है इसको समझिए। इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, नंबर एक इलेक्ट्रो, नंबर दो स्टैटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है स्थिर, इलेक्ट्रो का अर्थ होता है विद्युत, और स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर। स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, लिखिए परिभाषा, परिभाषा डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युत की कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत की कहलाती है। स्थिर वैद्युत की इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? स्थिर आवेशों का। अगला हेड डालिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। आज पढ़ेंगे आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? पहले इसकी परिभाषा लिखिए। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर हमें बल का अनुभव कराता है, विद्युत आवेश कहलाता है। दोबारा रिपीट करिए, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर हमें बल का अनुभव कराता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक, इसको ऐसे लिख दो, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और नंबर दो ऋणावेश। नंबर एक धनावेश, इसको पॉजिटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं, और नंबर दो ऋणावेश, इसको नेगेटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं।
तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋणावेश। यहां लिखना चाहो लिख लो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, लेकिन वैद्युत आवेश की इकाई क्या है, इसकी हेडिंग डाल दो वैद्युत आवेश की इकाई, या इसकी इकाई आवेश की इकाई विद्युत आवेश की इकाई, इसकी इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट इसको कहते हैं। तो वैद्युत आवेश की इकाई या मात्रा कूलाम होता है, क्या होता है कूलाम, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, लिखना चाहो लिख लो वैद्युत आवेश, या ऐसे लिखो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब देखो अगला हैंड डाल दो, जैसे आवेश, आवेश होता क्या है, आवेश बराबर सूत्र होता है धारा गुणा समय, धारा गुणा समय, आवेश को Q से तो Q, धारा को I से गुणा समय को T से, तो Q बराबर I इंटू टी, तो लिखेंगे Q इक्वल टू I T। इसको बॉक्स में वर्क करिए। अब देखिए भैया विद्युत आवेश की इकाई कूलाम या मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यह एक अदिश राशि है, आवेश बराबर धारा गुणा समय, आवेश को क्यू से, धारा को आई से, समय को टी से, क्यू बराबर आई टी, ये इसका सूत्र होता है। देखिए वेयर आई इक्वल टू धारा एम्पियर में, धारा एम्पियर में, आई के बाद क्यू, क्यू बराबर आवेश, आवेश किसमें मापेंगे कूलाम में, देखो वैसे आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, समय, समय का मात्रक सेकंड, इसको बंद। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, सूत्र Q बराबर आई टी, आई क्या है धारा, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम और धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड होता है।